ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈవీఎంల మీద పెట్టిన హ్యాక్థాన్లో పార్టీలు పాల్గొనలేదు. హ్యాక్థాన్కు అప్లై చేసుకున్న సిపిఎం ఎన్సీపీలు కూడా వివరాలు మాత్రమే తెలుసుకున్నాయన్నారు ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ నసీం జైదీ. సిపిఎం ఎన్సీపీల ప్రతినిధులు కమిషన్కు కొన్ని సూచనలు చేసిందని చెప్పిండ్రు. ఎప్పటికప్పుడు జనంలోని అనుమానాలు తొలగిస్తేందుకు ఈసీ ప్రయత్నిస్తుందన్నారు జైదీ. चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को ऑफर दिया था कि वे चाहें तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में अपनी चॉइस दे दें. चूंकि राजनीतिक पार्टियों ने अपना चॉइस नहीं दिया था, इसलिए चुनाव आयोग ने 14 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को रैंडमली सेलेक्ट करके और सील्ड अवस्था में 12 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से मंगाया था. आज दो पार्टियाँ चुनाव आयोग में चैलेंज के वेन्यू पर आईं. सबसे पहले जो हमारी सीपीएम की ओर से लोग आए थे, उन्होंने कहा कि वे इस चैलेंज में भाग नहीं लेना चाहते हैं, वे केवल ईवीएम के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं. इसलिए उनका एक उनके सामने एक बहुत डिटेल्ड डेमोंस्ट्रेशन भी किया गया और उनको हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी से उनकी मीटिंग भी कराई गई. सीपीएम के जो प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने हमारे पूरी एक्सरसाइज के बारे में संतोष व्यक्त किया है और एनसीपी के प्रतिनिधि कहा कि वो भी इस चैलेंज में भाग नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि वे एकेडमिक एक्सरसाइज के दृष्टिकोण से इस प्रक्रिया में इच्छुक हैं.